अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आज अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। हालांकि ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध किया था, ये कहते हुए कि चुनाव प्रचार के लिए आज तक किसी भी नेता को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। लेकिन जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केजरीवाल के पक्ष में है, एक बड़ी राहत कही जा सकती है और केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, 1 जून तक अंतरिम जमानत। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि ईडी ने विरोध किया था अंतरिम जमानत का। यह दलील ईडी की तरफ से दी गई थी कि चुनाव प्रचार में आज तक किसी भी नेता को अंतरिम जमानत नहीं मिली है, लिहाजा केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत ना दिया जाए। लेकिन ईडी के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल के लिए राहत लेकर आया है। केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव के बीच बहुत बड़ी राहत भी कही जा सकती है। अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिली है, शराब घोटाले में जेल में बंद थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब उन्हें अंतरिम जमानत 1 जून तक की मिल गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की ओर से कार्रवाई की गई, कई दिनों तक वो जेल में बंद रहे, कई परेशानियों का सामना किया। इससे पहले भी कई बार जमानत को लेकर याचिका लगाई गई लेकिन लगातार याचिका को खारिज किया जा रहा था। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहा है दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। लोकसभा चुनाव के बीच जमानत मिलना उनके लिए बड़ी राहत की खबर है क्योंकि अब वो प्रचार प्रसार कर सकेंगे। हालांकि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम की ओर से विरोध किया गया था कि उन्हें जमानत ना दी जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली। और देखिए, ऐसा पहली बार है जब किसी सियासी पार्टी को किसी आपराधिक केस में आरोपी बनाया जाएगा। इसकी तैयारी ईडी की तरफ से की गई थी, लेकिन अब इस बीच यहां पर राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। ये चुनावी घमासान के बीच जमानत की राह देख रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। हालांकि जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था और इसके अलावा शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन इन सबके बीच में आज का दिन राहत लेकर आया है केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है। चुनावी घमासान के बीच, लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया है, आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर लेकर आया है। क्योंकि ये लगातार सवाल आज सुबह से बना हुआ था प्रियंका कि क्या जेल बरकरार रहेगी या फिर उन्हें राहत मिलेगी, वो जेल से बाहर आएंगे। और जाहिर तौर पर बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब भी मिल गया है, अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। कथित शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की ओर से गिरफ्तारी की गई थी, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो लगातार जेल में ही बंद थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत मामले में सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दे दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए एक नया हलफनामा भी दायर किया था और ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, ये न तो फंडामेंटल राइट है और न ही लीगल राइट। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी राहत की खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार चुनाव जारी है, लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग किए जा रहे हैं और ऐसे में इस बीच बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल से ही अपनी सरकार चला रहे थे। तो चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आदेश सुनाता हुआ नजर आया और 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। वहीं ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया था बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया था। लेकिन इन सबके बीच जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी राहत न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, जो कि 21 मार्च से जेल में बंद थे और करीब 1.25 महीने बाद आज वो जेल से बाहर आएंगे। जाहिर तौर पर इसकी राह आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल का परिवार देख रहा था।
अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना किस तरह से पूरा आदेश चूंकि प्रति सामने आएगी, क्या उन्हें प्रचार की भी यहां पर इजाजत दी गई है या नहीं, चूंकि ईडी जो थी उसने साफ तौर पर चुनाव प्रचार की को लेकर और ये दलील दी थी कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिली है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अंतरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब इंग्लिश अंग्रेजी और अभी जितना ओरली बोला गया है ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में टुडे एट 2 पी एम द बेंच इन कोर्ट टू असेंबल फॉर दिस मैटर एंड इट प्रोनाउंस्ड अ वेरी शॉर्ट ओरल ऑर्डर। We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day, as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release slash bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will obtain.